हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पावर्ड बाय अभिमन्यु आई इस वीडियो में हम सेवेंथ जनवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू डू नॉट हैव टू रीड वो हम देखेंगे सो स्टार्टिंग विद द हिंदू द फ्रंट पेज सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी एंटी कन्वर्जन लॉज ऑफ उत्तराखंड एंड यूपी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम पिछली कुछ वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कुछ स्टेट्स ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर कुछ ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि एंटी कन्वर्जन है यानी कि जो रिलीजस कन्वर्जन सोनली फॉर द पर्पज़ ऑफ मैरिज इसको बैन करते हैं सो दोज लॉज हैव नाउ बीन चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट इसे जुडिशल रिव्यू करने जुडिशरी से रिव्यू करने वाली है एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्यूलरिज्म आर टू बी सीन सेकुलरिज्म जो है इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती है जिसे कोई भी अमेंड नहीं कर सकता एंड दिस डॉक्ट्रिन वॉज लेड डाउन इन द नाइनटीन सेवेंटी थ्री केस ऑफ केशवानंद भारती कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिसे इवन पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती है सो उस बेसिक स्ट्रक्चर की कोई एज सच प्रॉपर लिस्ट नहीं जारी की गई थी इट इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट इट इज़ अ वेरी ओपन एंडेड यू कैन से लिस्ट तो जुडिशियरी टाइम टू टाइम इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई करती रहती है इस तरह के फीचर्स आइडेंटिफाई करती रहती है विच बिकम अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म जो है दिस वॉज डिक्लेयर एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इन एस आर बोमई केस ऑफ नाइनटीन एस आर बोमई केस तो ये बात इनडिस्प्यूटेबल है कि जो सेक्युलरिज्म है इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट वेदर दीज एक्ट्स वायलेट द सेक्युलरिज्म और नॉट दैट इज़ अ क्वेश्चन दट द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड अगर ये किसी भी तरह से सेक्युलरिज्म को वायोलेट करते हुए या फ्रीडम ऑफ रिलीजन को या फ्रीडम ऑफ चॉइस को वायोलेट करते हुए या फिर अब तो इवन राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो किसी भी फंडामेंटल राइट right को या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अगर इन लॉज में से कोई प्रोविजन वायलेट कर रही हुई देन दीज लॉज और अ पार्ट ऑफ दीज लॉज इज लाइबल टू बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो ये इंपॉर्टेंट है आपको ये सारे लॉज़ की प्रोविजंस पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजंस पता होनी चाहिए एंड यू शुड नो वेयर दिस कन्फ्लिक्ट लाइज वाई दिज इन द फर्स्ट प्लेस सो यू शुड फॉर्म योर ओन ओपिनियन कि अगर ऐसा ये चैलेंज होते हैं वेदर दीज लॉज वुड स्टे और वेदर दे वी स्ट्रक डाउन तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए <coughs> सेकेंड जो ये न्यूज़ है डेमोक्रेट सेट टू विन सेनेट इज जॉर्जिया रिजल्ट का मैन ये एज सच आपको एक एक न्यूज़ फॉलो नहीं करनी है यू एस प्रेजिडेंट इलेक्शन से बट वट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द यू एस प्रेजिडेंशियल सिस्टम सेकेंडली यू शुड नो अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ यू एस प्रेजिडेंट कैसे यू एस प्रेजिडेंट इलेक्ट होते हैं एंड हाउ अंडर द प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ यू एस द एग्जीक्यूव इज टोटली सेपरेटेड फ्राम द लेजिस्लेचर तो हालांकि जो बाइडन जो है वो प्रेजिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं बट स्टिल वी आर लुकिंग एट द सेनेट कि जो उसका अपर हाउस है यू एस का वट विल बी द वोट इन सेनेट बी लाइक कि सेनेट के मेबर्स कौन बनेंगे हाउ इज़ इट रेलिवेंट दैट यू नीड टू फाइंड आउट बाई रीडिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज़ कि ऐसा हो सकता है दैट द प्रेजिडेंट बिलोंग्स टू अ सेपरेट पार्टी एंड इन सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर पार्टीज इन Power or another party holds the majority. So that is also possible. That is the uh, you can say a feature of US presidential form of government. So, how to compare Indian constitutional scheme with that of the other constitutions, which is also a explicitly mentioned topic in UPSC Mains syllabus. Page number six ensure right to passage to jumbos in forest division. Important hai. वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट ही क्यों ना हो तो हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही कहा है कि राइट ऑफ पैसेज मिलना चाहिए जम्बोज को यानी कि एलिफेंट्स को फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर और इसमें आपको एक और चीज़ जो ध्यान में देनी है दैट इज द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स या इसे हम इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स भी कह सकते हैं याकोलॉजिकल और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स ये क्या होते हैं बेसिकली कुछ इस तरह के लीनियर प्रोजेक्ट्स डिवेलप हो रहे हैं इंडिया में जैसे कि हाईवेज हो गए या रेलवे लाइन्स हो गई जो कि नेशनल uh, पार्क्स के बीच में से होकर गुजरते हैं या फॉरेस्ट रिज़र्व में से टाइगर रिज़र्व एलिफेंट रिज़र्व के बीच में से होकर गुजरते हैं एंड दे वेरी बैडली हिंडर द मूवमेंट ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ दिस एनिमल्स इन दीज रिजर्व एरियाज़ सो वट इज़ डन कि यहाँ पर इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स या वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ताकि इन एनिमल्स की मूवमेंट को ईजी बनाया जा सके सो दिस इज समथिंग न्यू दैट हैज स्टार्टिड टू हैपन तो इसका आपको इसके बारे में पता होना चाहिए देन ऑन द एडिटोरियल पेज ऑन द एडिटोरियल पेज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल दिस इज गुड वन ऑन दिस द चैलेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉर्चुनिटी इज बेटर इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया है दैट वेदर

तो इसमें भी उसके ऊपर एक ओपिनियन आर्टिकल है ये से आप पढ़ सकते हैं दैट हाउ वट विल बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ ब्रेग्जिट ऑन ब्रिटेन इट तो ये आपने पढ़ना है देन वी मूव टू द वर्ल्ड पेज ओके सो देर इज नथिंग ऑन पेज नंबर फोर्टीन बिजनेस पेज पे ये न्यूज़ आपको पढ़नी है सर्विसेज पीएमआई एम सिग्नल एक्सपेंशन स्लोइंग बिजनेस इज हॉल्ट हायरिंग तो सर्विसेज पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिकली सर्विसेज पी एम आई जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो होता है इस पर जीरो टू हंड्रेड तक रीडिंग होती है और जो फिफ्टी रीडिंग होती है इट शोज दैट देर इज स्टेबिलिटी देर इज नाइदर एक्सपेंशन नॉर कॉन्ट्रैक्शन तो जो अभी सर्विसेज पीएमआई है दैट इज शोइंग दैट इज़ शोइंग फिफ्टी टू पॉइंट थ्री परसेंट इंडेक्स यानी कि टू पॉइंट थ्री जो है वो एक्सपेंशन शो करता है फिफ्टी से अगर ज़्यादा है तो वो एक्सपेंशन शो करता है फिफ्टी से कम है तो वह कॉन्ट्रैक्शन शो करता है तो ये सर्विसिज़ पी एम आई के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड वट दिस रिसेंट डेटा सजेस्ट्स दैट ऑल्सो यू शुड नो सर्विसिज में पी एम आई इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा है बिकॉज सर्विसज़ कॉन्ट्रीब्यूट मेजोरिटी ऑफ जी डी पी ऑफ इंडिया तो ये न्यूज़ आपको पढ़नी है एंड यू शुड नो द स्टेटिक दैट वट इज़ सर्विसिज पी एम आई then we move to the second newspaper, which is the Indian Express. So, let us go straight to the explained page. So, on the explained page, first is how horizontal vertical quotas work and what Supreme Court said. So, recently Supreme Court ki ek judgment aayi uh, named uh, Saurav Yadav versus State of Uttar Pradesh. So this context may. ye एक न्यूज आपको पढ़नी है डेफिनेटली इंडियन पॉलिटी के परस्पेक्टिव से ये वाला आर्टिकल इवन आप किसी की कटिंग भी रख सकते हैं तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोटा क्या होता है कैसे वर्क करता है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या रूलिंग दी है दिस यू शुड रीड डेफिनेटली सेकेंड साइंस एंड टेक के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है द ड्राफ्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी हैज बिन रिलीज तो उसमें क्या क्या प्रोविजन हैं डेफिनेटली ये आपको पढ़नी है थर्ड आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरेबिया और कतर में एक पीस अग्रीमेंट साइन हुआ है जिससे उनमें जो हॉस्टिलिटी थी वो खत्म हो गई है अब सो ये दिस ऑल्सो यू शुड रीड तो तीन आर्टिकल्स एक्सप्लेन पेज पे आज आपको पढ़ने हैं देन नथिंग ऑन द आइडियाज पेज यू हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल प्लगिंग द प्राइवेसी गैप्स तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल थोड़ा सा हालाँकि पुराना हो गया है लेकिन उसको बहुत अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया गया काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया गया सो रीड दिस पर्टिकुलर प्लगिंग द प्राइवेसी गैप्स इन कॉन्टेक्सट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट तो पुट्टा स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मान लिया था और उस कॉन्टेक्स में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को दोबारा से रिकेलिब्रेट कैसे किया जा सकता है हाउ मोर प्राइवेसी नीड्स टू बी एन्श्योर्ड एंड हाउ दिस बिल नीड्स टू बी डिबेटेड प्रॉपरली तो यह आर्टिकल आपको पढ़ना है राइट टू प्राइवेसी पे अच्छे से आपको अगर होल्ड चाहिए उसके लिए सो अदर देन दिस देर आर मैनी इम्पॉर्टेंट न्यूज हेयर ऑन द इकोनॉमी पेज फोर जी स्पेक्ट्रम ऑप्शन टू स्टार्ट फ्रॉम मार्च वन ये न्यूज वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू हैव टू नो दिस न्यूज इन द कॉन्टेक्स कि जो एक साल का फिजिकल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का इट यूजुअली ओवरशूट्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बाय द मंथ ऑफ दिसंबर तो एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है और पहले 9-10 महीनों में इनफैक्ट 8-9 महीनों में ही जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो ऑलरेडी ब्रीच हो जाता है बाय द गवर्नमेंट जैसे कि अभी जो डिसंबर टू में यूनियन गवर्नमेंट का फिजिकल टारगेट है दैट हैज़ ऑलरेडी ब्रीच हंड्रेड ऑफ द फिजिकल डेफिसिट टारगेट हालांकि इस साल थोड़ा एबनॉर्मैलिटी है बिकॉज रेवेन्यू बहुत कम चल रहा है गवर्नमेंट का और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है एंड द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन द रिलीफ पैकेज ऑल्सो तो इसलिए इस साल इकोनॉमिक्स की तरफ से इसमें कोई भी इशू नहीं है अगर फिजिकल डेफिजिट ज़्यादा होता है लेकिन हर साल भी जब फिजिकल डेफिजिट ज़्यादा होता है वट द गवर्नमेंट डज इन द लास्ट थ्री मंथ्स इन जनवरी फेबररी एंड मार्च वो कुछ इस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं दैट एक्चुअली साल के एंड तक आते आते द एंटायर फिजिकल डेफिजिट लार्जली फॉल्स इन टू प्लेस जैसे अभी मार्च में स्पेक्ट्रम ऑक्शन रखी गई है तो इतने सारे मेगा बैंड के लिए ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगी और दस दिन के अंदर अंदर द टेलीकॉम कंपनीज विल हैव टू डिपॉजिट देयर बिडिंग अमाउंट तो उससे क्या होगा गवर्नमेंट को एकदम से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा एंड विद दिस एक पूरे साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो काफ़ी हद तक फिल हो जाएगा नॉट एंटायरली बट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट सो दिस दिस इज समथिंग दैट प्रैक्टिकली हैपन्स दैट यू नीड टू नो चाहे वो कोल माइंस की ऑक्शन हो चाहे वो स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हो चाहे वो डिसइनवेस्टमेंट हो जैसे कि आप जो एयर इंडिया है उसको डिसइनवेस्ट करना या प्राइवेट एयरपोर्ट्स की ऑक्शनिंग करना इस तरह के काम हर गवर्नमेंट करती है ये नॉट ओनली दिस स्पेसिफिक गवर्नमेंट सो इट ऑलवेज हैपन्स दैट इन द लास्ट टू थ्री मंथ्स द गवर्नमेंट ट्राइज टू जनरेट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू सो दैट द एंटायर ईयर्स रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स कैन बी टोटली यू कैन से एक सिंक्रणी में उसको लाया जा सके एंड द फिजिकल डेफिजिट डज नॉट ओवर शूट वे अबव इट्स टारगेट तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी पता होनी चाहिए देन उसी पेज पे एक न्यूज है नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए न्यूज तो कह रही है दैट मीटिंग हैज बीन कंडक्टेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन टू रिव्यू द प्रोजेक्ट्स अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वट यू नीड टू नो इज वट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड हाउ इट एक्चुअली लाइक फंक्शंस तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक सौ लाख करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है विच हैज़ टू बी एकॉम्पलिश्ड इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स ताकि इंडिया को एक फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनमी बनाया जा सके इसलिए हंड्रेड लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट uh, है उसका टारगेट रखा गया है एंड इट विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर तो थर्टी नाइन थर्टी नाइन ट्वेंटी टू रेशो में इसको शेयर किया जाएगा थर्टी नाइन थर्टी नाइन ट्वेंटी टू सो दिस इज द शेयरिंग ऑफ फाइनेंसिस बिटवीन द सेंटर स्टेट्स एंड प्राइवेट सेक्टर तीनों को स्टेक होल्डर बनाया गया है सो दैट सो मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड दैट कैन एक्चुअली बूस्ट अप द जी डी पी ऑफ द कंट्री तो ये आपको करना है राइट सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू इन द न्यूज पेपर टूडे इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू अर चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेलाइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ऑफ दीज वीडियोज डेली Is video ka dekne you can just go and read these news and you can be then assured that you are preparing in a very focused manner for the civil services exams. Thank you and have a nice day.